डमी परीक्षार्थी प्रकरणात लातूर येथून पोलीस निरीक्षकासह दोघांना सीआयडीच्या पथकानं अटक केली आहे. अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे. या करोडोंच्या गोरखधंद्यात पोलीस अधिकारी, शिक्षक, महसूल विभागाचे अधिकारी असल्याचा संशय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या डमी विद्यार्थी प्रकरणाने वेगळं वळण घेतलं असून मुख्य आरोपी प्रबोध राठोड याने डमी परीक्षार्थी बसवून अनेकांना पोलिसांची नोकरी मिळवून दिल्याचं उघड झालंय. या प्रकरणात लातूर येथून पोलीस उपनिरीक्षक सोमनाथ पारवे पाटील यांच्यासह दोघांना सीआयडीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक शंकर केंगार यांनी ताब्यात घेतलंय आणि लवकरच मोठे मासे गळाला लागतील असा विश्वासही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलाय. डमी विद्यार्थी प्रकरण संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलं असून अलीकडेच लातूर येथून सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक सोमनाथ पारवे पाटील आणि 16 विद्यार्थ्यांच्या ठिकाणी डमी परीक्षा देणारे बळीमार भालतोंडे या महाशयाला सीआयडीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक शंकर केंगार यांच्यासह त्यांच्या पथकाने ताब्यात घेतलंय. या दोन्ही महाठगांना नांदेड जिल्ह्याच्या किनवट येथील न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे. विशेष बाब म्हणजे या गंभीर प्रकरणात 21 मे 2017 रोजी सीआयडीच्या पथकाने मांडवी येथून मुख्य आरोपी प्रबोध राठोड याला ताब्यात घेतलं होतं. सदर प्रकरणात आजपर्यंत 8 आरोपी ताब्यात घेतले असून त्यात 2 पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात मोठमोठे अधिकारी असल्याचा संशय असून मोठे मासे गळाला लागतील असा विश्वास तपासिक अधिकारी शंकर केंगार यांनी C24 तासच्या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केलाय. सध्या नांदेड येथील न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या मुख्य आरोपी प्रबोध मधुकर राठोड याला यवतमाळ येथील सीआयडीच्या पथकानं ताब्यात घेतलं असून यवतमाळ जिल्ह्याच्या वडगाव पोलीस ठाण्यात सुद्धा डमी विद्यार्थी प्रकरणात गुन्हा दाखल असून या प्रकरणात सुद्धा प्रबोध हा मास्टरमाइंड असल्याचा संशय सीआयडीच्या पथकाला असून या प्रकरणात किती विद्यार्थी आणि किती तोतीय अधिकारी ताब्यात येतील हे सांगणं योग्य ठरणार नाही. या गोरखधंद्याला उघडकीस आणण्यासाठी मांडवी येथील विद्यार्थी योगेश जाधवने मांडवी पोलीस ठाण्यात 2 वर्षांपूर्वी तक्रार दिली होती. मात्र या प्रकरणात पोलीसच आरोपी असल्याने प्रकरण थंड्यावस्त्यात टाकण्यात आलं. मात्र योगेशने थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात आणून दिलं. तेव्हापासून या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांसह राज्य गुप्तचर विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक संजय कुमार हे बारकाईनं लक्ष ठेवून असून या प्रकरणात कधी कोण सीआयडीच्या जाळ्यात अटकतील हे सध्या तरी सांगता येणार नाही. या करोडोच्या गोरखधंद्यात पोलीस अधिकारी, शिक्षक, महसूल विभागाचे अधिकारी असल्याचा संशय सूत्रांनी व्यक्त केलाय. आज जो कोर्ट में हुई है उसके बारे में जानकारी दीजिए सर. मांडवीच्या प्रकरणामध्ये आतापर्यंत 8 लोक अरेस्ट केलेले आहेत आणि काल बळीराम भातलोंडे याला अटक केलेली आहे. त्यापूर्वी सोमनाथ पारवे पाटील यांनाही अटक केली होती. तर दोन्ही आरोपींना आज कोर्टापुढे प्रोड्यूस केले असता सोमनाथ पारवे पाटील आणि बळीराम भातलोंडे ह्या दोघांची पोलीस कस्टडी आम्हाला मिळालेली आहे आणि पुढील आम्ही तपास करत आहोत. सर, मुख्य आरोपी जे आहे त्याला परत यवतमाळच्या एका गुन्ह्यात घेणार असल्या चर्चा ऐकावयास मिळत आहे त्याबद्दल? हां, अगदी बरोबर आहे. यवतमाळमध्ये गुन्हा दाखल आहे. त्या गुन्ह्यामध्ये पण हाच मेन सूत्रधार आहे. त्याला ट्रान्सफर करून अटक करण्याची कारवाई सुरू आहे. सबसे बड़ा नौटंकी घोटाला जो कि पिछले 9 सालों से चला आ रहा था, इसकी जानकारी मुझे जब मिली, मैं अपने गांव मुंबई से लौटा था वैकेशन में, तब मुझे पता चला कि मेरे गांव से कुछ तकरीबन 30 से अधिक लोग इसी रैकेट का शिकार हुए हैं, जो इस रैकेट के माध्यम से कई विभागों में, कई खातों में क्लर्क से लेकर वरिष्ठ विस्तार अधिकारियों तक पद उन्होंने लिए थे, जो कि बड़ी मोटी रकम देकर वो उनका अहदा हासिल हुआ था. और ये जब मुझे इस बारे में जानकारी पूरी प्राप्त हुई, तब मैंने सभी विभागों में लगभग 30 लोगों के अगेंस्ट एक RTI फाइल किए थे, जिनके माध्यम से मुझे उनके अटेंडेंस शीट मिली थी, उनके ID कार्ड मिले थे, जिस तरह से उनकी रैकेट की मोडस ऑपरेंडी थी, जो कि डमी कैंडिडेट को बैठवाना, इसके अलावा आगे पीछे बैठवाना, उसके अलावा कई पेपर लीक करना, जो RTI के माध्यम से मुझे जो पता चला कि ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह कोई और डुप्लीकेट यानी कि डमी कैंडिडेट बैठ रहा था,
वो हमें एक स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मतलब यानी कि हॉर्टिकल पे कोई और था और जो जॉब पे था यानी कि नौकरी कर रहा था वो कोई और बन रहा था, तो ये हमें पहचानना काफी आसान हो जाता था मुझे। तब मुझे ये जब जानकारी मिली कमीशन से, हमने इसके अगेंस्ट प्रवीण परदेशी प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र को भेजा। इसके साथ साथ तकरीबन हमने 2500 ईमेल्स अब तक भेजे हैं, वो सारे पीएमओ से लेकर सीएम से लेकर महाराष्ट्र के 35 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को एसपी को सभी को गए हैं। यानी कि जिस तरह का ये चलता आ रहा था ये रैकेट, इसके स्टेट वाइड नेटवर्क देखते हुए हमने इसे सभी को भेजा था। मैंने प्रवीण परदेशी साहब से मिला था, प्रवीण दीक्षित सर से मिला था, डायरेक्टर जनरल महाराष्ट्र, इसके बावजूद स्वाधीन क्षत्रिय जी से मिला था और उनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने कि इस तरह का ये जो रैकेट चल रहा है पिछले 9 सालों से, इसे बंद किया जाए, इसे बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाए, इसे जो क्लरिकल से लेकर ग्राम सेवक तक, विस्तार अधिकारी तक, जिला परिषद हो या महानगर पालिका की हो, इन सभी की जो सेवा भर्ती होती है वो सभी भर्ती महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को दी जाए, ताकि इसमें अपरा तफरी कम हो, यानी कि पेपर फूटना कम हो या तो फिर इसमें जो डमी कैंडिडेट का होना कम हो। ये इसके अलावा कई और इसके मुद्दे थे। हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाए, बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाए और ये सभी एक साथ को लोक सेवा आयोग को हैंड ओवर किया जाए ताकि इसमें पारदर्शिता लाया जाए। पिछले जब मैं 2015 में इसके केस फाइल की थी, लगभग मुझे पूरे साल एक साल इसे फाइट करना पड़ा, पूरा एक साल फाइट करना पड़ा, फिर भी केसेस फाइल नहीं हो रहे थे। जब हमने रेड हैंड केसेस पकड़वा दिए थे, कुछ पुणे में थे, कुछ बॉम्बे में थे, कुछ यवतमाल में थे, कुछ और जगह पे थे, इस तरह के केसेस एक साल तक इन्हें हमें फाइट देना पड़ा और एक साल के बीच में हमने हमारे फैमिली को जो मेंटली टॉर्चर किया गया, सोशली इकोनॉमिकली उन पर सैंक्शन लगाए गए और इस केस को और मुझे लूज करने की कोशिश काफी हद तक ये लोगों ने की है, वो हालांकि वो इनमें कामयाब नहीं हो पाए। और मेरे लिए मुश्किल था कि सीएम साहब से मुलाकात करना, तो डॉक्टर शोभा वाघमारे से मुलाकात हुई, जब उन्होंने हमें सीएम साहब से मिलवाया, एसआईटी तक, सीआईडी से एसआईटी तक उनकी मदद से हम पहुंच पाए और इस केस में अब तक तकरीबन बड़े अहदे पर के अधिकारी अरेस्ट हो चुके हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर से के अलावा डमी डेस्क ऑफिसर है, उसके अलावा कोई कोचिंग क्लासेस के हैं, जो मुख्य आरोपी ने इसमें नाम लिए हैं वो तकरीबन 50 से ऊपर आरोपी है और जो नए कैंडिडेट पकड़ा गया है उनका कहना है कि 16 से 15 जगहों पर उन्होंने बैठा है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है पीसीआर में, तकरीबन ये आंकड़ा अभी 100 से आगे पार कर चुका है। और सरकार से हमने यही गुजारिश है कि इस पर एसटीएफ की गठन हो और इसकी जल्द से जल्द इस केस में अरेस्टिंग हो, डिटेन हो लोगों की जो भी गुनहगार है और समाज में इसका आदर्श रखा जाए कि ये दोबारा इस तरह की इनको दंडित कर समाज में आदर्श रखा जाए कि दोबारा इस तरह का सामाजिक अपराध न हो। रशीद फाजलानी, सी24 तास, नांदेड़।